खूबसूरत दिन की बात है, एलिस अपनी दीदी के साथ पिकनिक पे गई थी। दीदी अपनी किताब पढ़ रही थी और हमारी एलिस बोर हो रही थी। तभी एक सफेद खरगोश वहां से गुजरा। वो खरगोश अपने आप से बात कर रहा था। एलिस को बड़ा अजीब लगा। खरगोश ने पॉकेट से एक घड़ी निकाली और बोला, अरे रे रे रे, इतना लेट हो गया मैं। एलिस अचंभित सब देख रही थी। उसे और जानने की इच्छा हुई और वो खरगोश के पीछे पीछे चल दी। खरगोश एक पेड़ के तने के छेद में कूद गया और एलिस भी उसके पीछे कूद गई। अंदर वो गिरती ही जा रही थी, जैसे कोई गहरा कुआं हो। नीचे और नीचे नीचे गिरते हुए उसे कई चीजें दिख रही थी, फर्नीचर, खाने की चीजें और बहुत कुछ। उसकी जैसे दुनिया ही घूम रही थी। आखिर में वो एक गद्दे पर जा गिरी। उठते ही उसके सामने एक कॉरिडोर था, लंबा सा, और वो चल के जाने लगी उस पे। उसे कई सारे दरवाजे दिखे जो लॉक्ड थे। अचानक खरगोश गायब हो गया। अब उसे चिंता हो रही थी कि वो बाहर कैसे निकलेगी। तभी उसे एक टेबल पर रखी मिली एक सोने की चाबी। उस चाबी को उसने उन दरवाजों में डाला, पर चाबी बहुत छोटी पड़ रही थी। यहां वहां देखने पर उसे पर्दे के पीछे छुपा हुआ दिखा एक छोटा सा दरवाजा, और उसमें चाबी डालते ही दरवाजा खुल गया। और खुलते ही उसने देखा एक बहुत सुंदर गार्डन, पर एलिस वहां जा नहीं पा रही थी क्योंकि दरवाजा बहुत छोटा था। वो जब वापस अंदर आई, टेबल पे एक बॉटल रखी हुई थी जिस पे लिखा था ड्रिंक मी। एलिस गटगट करके उसे पीती जा रही थी। जितनी वो उस जादुई शरबत को पी रही थी, उतनी ही वो छोटी होती जा रही थी। अब वो इतनी छोटी हो गई थी कि दरवाजे से बाहर निकल सकती थी। पर जब उसने चाबी की तरफ देखा, तब पता लगा कि वो उस तक पहुंच नहीं पाएगी। वो रोने लगी। तभी उस फ्लोर पे एक केक दिखा और उस केक पे लिखा था ईट मी। एलिस ने उस केक से एक टुकड़ा निकाल के खाया। खाते ही वो वापस बड़ी होने लगी। अब वो चाबी तो उठा लेती, पर उस दरवाजे से कैसे निकलेगी? एलिस बड़ी दुखी हो गई। वो फिर से रोने लगी। वो इतनी रोई कि आंसू से नदी जैसी बन गई। तभी वो खरगोश वहां से हड़बड़ी में भाग के गया। एलिस ने पुकारा, सर सर प्लीज रुकिए, हेल्प मी। पर वो जाता रहा, देखा भी नहीं उसने मुड़ के। पर जाते हुए उसके ग्लव्स और हैंड फैन गिर गए। एलिस ने उसका सामान उठाया और जैसे ही उसने हैंड फैन से हवा की, वो फिर छोटी होने लगी। तभी वो स्लिप होके अपने आंसुओं की नदी में गिर गई। एलिस और कई जानवर भी उसमें बहके निकलने लगे। जब वो बाहर निकले, सब भीग चुके थे। एलिस को फिर से वो खरगोश दिखा। खरगोश को लगा कि एलिस उसकी मेड है। उसने उसे उसके घर जाके उसके ग्लव्स और हैंड फैन लाने को कहा। एलिस जंगल में खरगोश के घर गई। अंदर जाते ही उसे ग्लव्स और हैंड फैन मिल गए। टेबल पे एक बॉटल भी दिखा। उसने बॉटल लेके जादुई शरबत पूरी पी ली। वो
इतनी बड़ी हो गई कि घर के अंदर हिल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ खरगोश एलिस के लिए वेट कर रहा था। एलिस से डर के जानवर उस घर पर पत्थर फेंकने लगे। जो भी पत्थर एलिस के पास पहुंच रहा था वो केक बन जा रहा था। एलिस ये केक खाते ही फिर छोटी होने लगी और उस घर से निकल सकी, पर इस बार वो बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी थी। इतनी छोटी कि वो पेड़ पौधों के बीच गुम हो रही थी। वापस नॉर्मल साइज पे कैसे पहुंचे वो? उसे दूर एक पप्पी दिखाई दिया। उसने उसे पुकारने के लिए बुलाया। उसके पास आते ही उसे मालूम पड़ा कि वो कितनी छोटी हो गई थी। वो पपी से कुचले जाने से बाल बाल बची। वो भागती हुई एक मशरूम से जा टकराई। उस पे एक ब्लू कैटरपिलर बैठा था। एलिस ने उसे पूछा कि कैसे नॉर्मल हो सकती हूँ मैं। कैटरपिलर मुस्कुरा के बोला, मशरूम का एक साइड तुम्हें बड़ा कर सकता है और दूसरा साइड छोटा। एलिस ने एक छोटा मशरूम का टुकड़ा खाया और इतनी बड़ी हो गई कि उसे अपने पैर ही नजर नहीं आ रहे थे। तो अब नॉर्मल होने के लिए उसने दूसरे साइड से मशरूम खाया। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खाके वो फाइनली अपने नॉर्मल साइज पे पहुंच गए। दोनों साइड से एक एक टुकड़ा लेके अपने हाथ में रखा। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा सा घर दिखा, पर उसके अंदर जाने के लिए उसे फिर छोटा होना था। मशरूम का टुकड़ा खाके वो छोटी हो गई। घर के अंदर एलिस किचन में पहुंची। वहां डचेस अपने बच्चे के साथ खड़ी थी और वहीं एक मोटा बिल्ला भी था। एलिस पे हंस रहा था। एलिस पे पहली बार कोई मुस्कुराता हुआ बिल्ला देखा। उसने पूछा, आपका बिल्ला हंस क्यों रहा है? क्योंकि ये चेशर कैट है, डचेस बोली। तभी वो बिल्ला गायब हो गया और डचेस का बच्चा रोने लगा। डचेस ने बच्चा एलिस को दिया। तुम इसे खिलाओ जब तक ये सो ना जाए, मैं क्वीन के साथ क्रॉके खेलने जा रही हूँ। एलिस ने बच्चे को खिलाना शुरू किया। तभी वो बिल्ला वापस से प्रकट हुआ और हंस के बोलने लगा, तुम्हें मैड हैटर और मार्च हेयर को ढूंढना होगा, संभल के, वो पगले है जरा। ये कह के चेशर कैट फिर गायब हो गया। एलिस गुस्से से उस पे चीखी, ये बार बार गायब होना, प्रकट होना बंद करो, मुझे डर लग रहा है। चेशर कैट फिर आया और बोला, ठीक है, मैं धीरे धीरे गायब हो सकता हूँ। पहले पूंछ गई, फिर पेट और पैर, सिर्फ चेहरा ही रह गया था। एलिस बाहर गई और उसे मार्च हेयर का घर मिल गया। मार्च हेयर मैड हैटर के साथ चाय पी रहा था। मार्च हेयर के कानों के बीच भूसा रखा था। एलिस को समझ भी नहीं आया कि क्यों, और मैड हैटर ने एक हैट पहन रखा था। एक चूहा आराम से टेबल पे सोया हुआ था और ये दोनों उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एलिस के आते ही दोनों चिल्ला पड़े कि जगह नहीं है। इतनी सारी तो जगह है, मैड हैटर एलिस से पूछता है, कुआवा तुम्हें क्यों एक टेबल की तरह लगता है? तुम बताओ क्यों? मुझे नहीं मालूम। एलिस इन दोनों की बातों और सवालों से परेशान हो गई। ये सबसे बकवास मीटिंग रही है।
एलिस को एक दरवाजा दिखा एक पेड़ के तने में। अंदर आते ही उसे एक गोल्डन चाबी मिली। उस चाबी से एक दरवाजा खुला गार्डन का। गार्डन बहुत ही सुंदर था। ये गार्डन था क्वीन ऑफ हार्ट्स का और सारे व्हाइट रोजेस को रेड पेंट किया जा रहा था। सारे लोग ताश के पत्तों जैसे थे। एलिस ने पूछा, क्यों पेंट कर रहे हो सभी व्हाइट रोजेस को रेड? गार्डनर बोला, क्वीन को रेड रोजेस चाहिए थे पर हमने गलती से व्हाइट रोजेस उगा दी। क्वीन को मालूम पड़ा तो हमारी मौत हो जाएगी। तभी क्वीन ऑफ हार्ट्स वहां आई। उनके सिपाही सारे ताश के पत्तों जैसे थे। पहली बार दिखी इस लड़की को क्वीन ऑफ हार्ट्स ने क्रॉके खेलने को बुलाया। एलिस ने ऐसा क्रॉके फील्ड कभी नहीं देखा था पहले। हेडहॉग्स बॉल बने थे और फ्लैमिंगोज मेलिट्स। गेम के बीच में खिलाड़ी एक दूसरे पर हेडहॉग्स फेंक के लड़ने लगे। इससे क्वीन को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से चिल्लाई, सभी खिलाड़ियों के सर कलम कर दिए जाएं। उन्होंने क्रॉके पार्टी कैंसिल कर दी। तभी एक आवाज आई, कोर्ट में केस शुरू हो गया है। सभी कोर्ट की तरफ गए। क्वीन के किचन से पाए चुराने वाले जैक ऑफ हार्ट्स पर कोर्ट केस था। क्वीन हादसे के समय जैक ऑफ हार्ट्स को नहीं पकड़ पाई थी तो सजा कैसे देती? जैक ऑफ हार्ट्स को बंदी बना के रखा गया था। खरगोश ने एक कागज से पढ़ना शुरू किया। एक संडे की बात है, हमारे क्वीन ऑफ हार्ट्स ने कुछ डिलीशियस पीस बनाया था और जैक ऑफ हार्ट्स ने उन्हें चुरा लिया। किंग ने चिल्ला के कहा, पहले विटनेस को बुलाया जाए। पहला विटनेस मैड हैटर था। मैड हैटर के बात करते करते एलिस अचानक से बढ़ने लगी। खरगोश ने एलिस को विटनेस स्टैंड पर आने के लिए कहा। अपना नाम सुनते ही एलिस खड़ी हो गई। वो इतनी बड़ी हो चुकी थी फिर से कि उसकी ड्रेस जूरी के बेंच पर अटक गई। वो बेंच उल्टी हो गई और कुछ जूरी मेंबर्स भी गिर गए। क्वीन ने एलिस को सब कुछ बताने को कहा। पर मुझे कुछ नहीं पता, एलिस बोली। क्वीन चिल्लाई, नहीं पता? इसका भी सर कलम कर दिया जाए। आपकी ऑर्डर्स मैं क्यों मानूं? आप मेरी क्वीन नहीं हैं। आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पे। जैसे ही एलिस ने ये कहा, क्वीन, किंग और सारे ताश के पत्ते एलिस की तरफ उड़ने लगे। एलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की पर वो एलिस को सुनामी बनके घेरने लगे और उसे भी अपने अंदर खींच लिया। घूम घूम के एलिस उन ताश के पत्तों के साथ पहुंच गई हरे पत्तों और फूलों के बीच। उसी गार्डन में उसकी दीदी ने आवाज लगाई। जब वो उठी तब समझी कि ये सब सपना था। अरे रे, ये तो सपना था। क्या सपना था? वाओ दीदी, मैं बताऊं अपना सपना तुम्हें? एक खरगोश जैकेट पहना हुआ था। बहुत पहले जंगल में एक भेड़िया था जो अपने परिवार के लिए खाना ढूंढ रहा था। जंगल में उसे एक आवाज सुनाई दी। ढूंढने पे उसे झाड़ियों के बीच एक छोटा सा बच्चा मिला। ये तो इंसान का बच्चा है, भेड़िया चौंक के बोला। वो उस बच्चे को घर ले आया, उसकी रक्षा करने लगा। जंगल का बाघ शेर खान ये देख के नाराज हुआ क्योंकि उस बच्चे को इंसानों से वो चुरा के लाया था। भेड़िये के परिवार को ये बच्चा बड़ा प्यारा लगा। हम इस
से अब से मोगली बुलाएंगे, माँ ने कहा। उस दिन से मोगली अपने भेड़िये भाइयों के साथ रहने लगा। माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी, जैसे उसका अपना बच्चा हो। बहुत जल्द ही उसकी सभी जानवरों के साथ दोस्ती हो गई। वो उनके साथ खेलने कूदने लगा और जंगल का चप्पा चप्पा जान चुका था। इसी बीच शेर खान मोगली पर दूर से नजर रखे हुए था और मौका ढूंढ रहा था कि कब उसे पकड़ सके। एक दिन भेड़िया अकेला, भालू बलू और तेंदुआ बगीरा मिले मोगली की बात करने। इंसान के बच्चे सयाने होते हैं, क्यों ना उसे जंगल का बच्चा बनाएं? भल्लू और बगीरा, तुम दोनों उसकी रक्षा करोगे और जंगल के हर तौर तरीके सिखाओगे। कई साल बीत गए। बलू बहुत ध्यान से मास्टरी कर रहा था। उसने उसे फल तोड़ना और शहद निकालना सिखाया। मोगली बलू की बातें अच्छे से सुनता था। हर रोज वो ऊंचे ऊंचे पेड़ पे चढ़कर खाना खाता था। बलू ने उसे जंगल की आवाजों को पहचानना भी सिखाया। उसे मोगली पे नाज था। क्या दौड़ता था मोगली और क्या तैरता था। बगीरा ने उसे सिखाया कैसे इंसान के फंदों को पहचाना जाए और कैसे उनसे बचे। एक दिन एक छोटा भेड़िया एक फंदे में फंस गया। शेर खान इस बच्चे का शिकार करके इसे खाना चाहता था, पर उससे एक कदम पहले मोगली ने उसे बचा लिया। शेर खान को ये हार बुरी लगी। बलू ने मोगली को खतरे के वक्त लगाने वाली आवाज भी सिखाई। मोगली को ये भी याद हो गया, जंगल का कोई भी जानवर मोगली को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जान के कि मोगली को वो अकेला नहीं पकड़ सकेगा, शेर खान जंगल के सबसे खतरनाक जानवर बंदर लोग के पास गया और उन्हें मोगली के बारे में बताया। मोगली को जो भी मालूम है अगर वो हमें सिखा दे तो हम जंगल के सबसे सयाने जानवर बन जाएंगे। एक दिन जब मोगली अपने लिए बरसाती बना रहा था, तब बंदर लोग उसे दूर से चुपचाप देख रहे थे। वो उसे किडनैप करने का मौका ढूंढ रहे थे। शाम होते ही वो मोगली को उठाकर घने जंगल में अपने अड्डे पे लेके गए। वो अब बंदर लोग के बीच में था। मोगली को जब समझ आया कि उसे किडनैप किया गया है, वो सोचने लगा। उसे किसी भी तरह बगीरा और बलू को खबर देनी होगी। अचानक उसे वल्चर चील दिखा आसमान में उड़ता हुआ। उसको खतरे वाली आवाज याद आई। अपना खून एक रंग लाल लाल लाल। ये सुनते ही चील समझ गया कि मोगली उसका कोई अपना ही है और ये कि वो खतरे में है। मेरा नाम मोगली है, बलू और बगीरा को बताओगे कि मैं फंसा हुआ हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं, चील बोला और उसने उड़ान भरी खबर पहुंचाने के लिए। बंदर लोग उसे उठा के अपनी गुफा में ले गए, बंदर नगर में। इस घने जंगल में एक किला था जिसे इंसान सालों पहले छोड़ चुके थे। मोगली ने भागने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा ना हुआ। बगीरा और बलू ने सांप के से मदद मांगी। वो तीनों बंदर नगर में एक मूर्ति के पीछे छिप गए। उनको कई बंदर मोगली के आसपास नजर आ रहे थे। वो मोगली को बचाने का मौका ढूंढ रहे थे और मौका आते ही
के बोला, अभी चलो, सही मौका है। बगीरा पहले गया धीरे से बंदर को डराने, फिर वो अपने पंजों से बंदरों पे वार करने लगा। सारे बंदर डर के मारे भागे। अचानक बगीरा को बंदरों ने घेर लिया। बंदरों ने मोगली को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया। मोगली को बगीरा के लड़ने की आवाज आ रही थी। उसे याद था कि खंडर के नीचे पानी का कुंड है, और उसे ये भी मालूम था कि बंदर पानी से डरते हैं। बगीरा, जल्दी से पानी में कूद जाओ। बगीरा भाग के पानी में कूदा। अब बलू को भी बंदरों ने घेर लिया था। बलू अपने बचाव के लिए अपने पंजों से लड़ रहा था। वो अच्छा लड़ रहा था, पर बंदर बहुत ज्यादा थे और बलू अकेला पड़ गया। उधर बगीरा पानी में बेबस था, अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा था। बलू बंदरों में उलझा हुआ था कि के वहां आया। के ने अपनी पूंछ से बंदरों को थप्पड़ मारा और सब भागे। बंदर के से हमेशा डरते थे, उसके सामने टिक नहीं पाते थे। जब वो लोग वहां से दूर घने जंगल में चले गए, बलू आजाद हो गया। फिर के ने फूंक मारी और बंदर सब सुन्न हो गए। उनकी आवाज बंद हो गई और एकदम से सन्नाटा हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए बगीरा पानी से बाहर निकला। मोगली उस कमरे से चिल्लाया, मैं यहां हूं, इस कमरे में। के ने पूंछ मारी और दीवार गिर गई, और मोगली कूद के बाहर आ गया। बलू ने उसे गले लगा लिया। ओ, ठीक तो ना तुम? हाँ, ठीक हूँ, पर भूख लगी है बड़ी। तुम सबने अपनी ना सोच के मेरी जान बचाई, थैंक यू उसके लिए। मोगली के को देखकर बहुत खुश हुआ। तुम ना होते तो क्या होता, थैंक यू। मोगली, बलू और बगीरा के को बाय कह के घर की तरफ गए। अब शेर खान को ये बात समझ में आ गई थी कि जिसके रिश्ते इतने मजबूत हैं, वो उसे घायल नहीं कर सकता। वो अपने घर को लौट गया और वापस नहीं आया। कई साल गुजर गए और मोगली एक नौजवान बन गया था। एक दिन वो इंसानों के गांव के आसपास गया। उसे एक औरत दिखी जिसने उसे पहचान लिया। ये वो बेटा था जिसे एक बाघ ने सालों पहले छीन लिया था। उसने वो बच्चा मोगली को दे दिया। मोगली चौंक गया क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल बचपन का मोगली लगता था। तब उसे समझ में आया कि वो बच्चा उसका भाई और वो औरत उसकी माँ है। बलू, बगीरा और के उन्हें देख रहे थे। ओ, अब तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो। जरूरत हो हमारी महसूस तो आवाज लगा देना, बस। तुम हमारे भाई हो, ये भूलना मत कभी। गुड बाय मोगली। उसके दोस्तों ने उससे विदा लिया और मोगली अपने इस परिवार के साथ खुशी से रहा। पर उसने अपने जंगल के उस परिवार को कभी नहीं भुलाया जिनसे उसका प्यार का रिश्ता था। कई सालों पहले एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जेपेटो था। वो लकड़ी के खिलौने बना के बेचता था। उसे जिंदगी में एक ही दुख था कि उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जंगल में उसे एक पेड़ का तना मिला जो खिलौना बनाने के लिए सही था।
बिल्कुल सही है ये लकड़ी, मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊंगा। जेपेटो वो लकड़ी लेके अपनी वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया। अचानक से कुछ अजीब सा हुआ, एक आवाज आई उस लकड़े से। पहले तो जेपेटो चौंक गया, पर फिर उसे लगा कि उसने गलत सुना और उसने पुतला बनाना चालू रखा और फिर वही आवाज वापस आई। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे कान भी बजने लगे हैं। जेपेटो ने अपना काम चालू रखा। सबसे पहले पुतले का चेहरा बना, फिर उसके हाथ और पैर। जेपेटो का पुतला पूरा बन गया। उसे कुर्सी पर रख के उसने सफाई शुरू की। तभी उसे एक आवाज आई। हेलो। जेपेटो ने यहां वहां देखा, पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा, तो उसने अपना काम चालू रखा। थोड़ी देर में वो पुतला कुर्सी से नीचे कूदा और नाचने लगा। ये देख के जेपेटो का सर चकरा गया। अरे बाप रे, इस पुतले में तो जान है। ये कोई बच्चा तो नहीं था, पर बच्चों की तरह ही हंसता बोलता और नाच रहा था। जेपेटो ने उसे उठाया। अब से तुम्हारा नाम पिनोकियो है मेरे बच्चे। जेपेटो और पिनोकियो खुशी से रहने लगे। पिनोकियो के स्कूल जाने का समय हो गया था, पर जेपेटो के पास उसके स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए जेपेटो ने अपना कोट बेच के उसके पैसे पिनोकियो को दिए। पिनोकियो उन पैसों के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा, रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को निहारते हुए। अचानक उसे सामने एक जगह खलबली सी दिखी। क्या हो रहा है जानने के लिए वो भीड़ के बीच में गया और आसानी से उस पार पहुंच गया। छोटा सा उस पार था एक रंग बिरंगा टेंट, सर्कस टेंट। वहां पे एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। पिनोकियो को देखना था कि अंदर है क्या, पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा, अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं। पिनोकियो को उन पैसों का ख्याल आया जो जेपेटो ने उसे स्कूल के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिए। टेंट के अंदर बड़ा मजा आ रहा था। उसने वहाँ कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे नाच रहे थे। ये दोनों भी लकड़ी के बने हैं। पिनोकियो भी स्टेज पे चढ़कर उनके साथ नाचने लगा, पर ये वहाँ खड़े दर्शकों को नहीं पसंद आया। सर्कस का मालिक, जो ऊपर से इन पुतलों को डोरी से नचा रहा था, बड़ा खुश हुआ एक जिंदा पुतला देख के। अरे वाह, क्या बात है, बिना डोरी का ये पुतला, ये तो मुझे अमीर बना देगा, माला माल बना देगा। शो के खत्म होते ही उसने पिनोकियो को पकड़ा और उसे बंदी बना लिया। पिनोकियो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जेपेटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया, तो वो रोने लगा। पिनोकियो को इस तरह अफसोस करते हुए देख एक फेरी वहां आई। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, पर वही गलती फिर मत करना। पिनोकियो बहुत खुश था। पर अब कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। फेरी ने जादू किया और पिनोकियो के हाथ में पैसे आ गए।
इस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना, अब सीधे स्कूल जाओ। फेरी ने उसे सर्कस से छुड़ा लिया। खुशी से घूमते गाते पिनोकियो स्कूल की ओर चल पड़ा फिर से। उसे इतनी खुशी में देख चालाक लोमड़ी और उसका दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और उससे पैसे ठगने का प्लान बनाया। अरे भाई, इतने झूमते घूमते कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ। अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे, फिर तुम्हारे पास भी एक अपना धन वृक्ष होगा। जब चाहो जाके उसमें से पैसे तोड़ लिया करना। भोले भाले पिनोकियो ने लोमड़ी की बात मान के उससे पैसे दे दिए। पैसे लेके लोमड़ी और बिल्ली उड़नछू हो गए। पिनोकियो को चिंतित देख के फेरी फिर से आई। तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे? मैंने जो पैसे दिए थे स्टेशनरी के लिए वो कहाँ है? फेरी को मालूम था कि उसने पैसे लोमड़ी को दे दिए हैं। उसने पिनोकियो से कहा, मुझसे झूठ मत बोलना वरना पनिश करूंगी मैं। फिर भी पिनोकियो ने झूठ बोला। मैंने स्टेशनरी खरीद लिया पर स्कूल में रख दिया है। इतना बोलते ही उसकी नाक लंबी होने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? जैसे जैसे वो झूठ बोलता गया उसकी नाक और लंबी होती गई, इतना लंबा कि अब सर हिलाना मुश्किल हो गया था। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? फिर उसने फेरी को सच सच सब बता दिया कि क्या हुआ था। पिनोकियो ने सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए फेरी ने उसकी नाक ठीक कर दी। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने सच कहा। जादू से उसने वो पैसे पिनोकियो को दे दिए जो लोमड़ी ने उससे लिए थे और उसे समझाया कि पैसे बर्बाद ना करे फिर से। पैसों को हाथ में लिए पिनोकियो झूमते गाते फिर से आगे बढ़ने लगा और अब एक नई मुसीबत सामने आई। सर्कस का मालिक जिसने उसे बंदी बनाया था वही खड़ा था। सर्कस वाला पिनोकियो से बहुत नाराज था क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो उसे पनिश करना चाहता था। उसने पिनोकियो को उठा के समंदर में फेंक दिया। पिनोकियो समंदर में गिरा तो सही पर डूबा नहीं, वो ऊपर ही रहा क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। उसको ऊपर रहने में बड़ा मजा आ रहा था और उसने हाथ पांव चला के तैरना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने लगा। अरे ये क्या हुआ, कहाँ हूँ मैं? पिनोकियो ने अचानक खुद को एक अंधेरी सी जगह में पाया। इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में पिनोकियो को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था और अब वो उसके पेट के अंदर था। दूसरी तरफ जिपेटो पिनोकियो को लेकर चिंतित था और उसे ढूंढने बाहर निकला। पिनोकियो, पिनोकियो! आखिर में वो उस जगह पहुंचा जहां से पिनोकियो को समंदर में गिराया गया था। वहां मछुआरों से पूछा। एक मछुआरे को पता था उस लड़के के बारे में। उसने बोला कि वो समंदर में गिर गया था। जिपेटो ने उसे मदद मांगी। उन्हें मालूम था कि जिपेटो एक अच्छा इंसान है। वो तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए। जिपेटो को उसने एक छोटी सी नाव दी पिनोकियो को बचाने के लिए। जिपेटो नाव लेके समंदर में जाता रहा। थोड़ी देर में एक भयानक तूफान आने लगा। इस छोटी सी नाव से बड़े बड़े लहरों का सामना नहीं किया गया और वो डूब गई और जिपेटो
अचानक समंदर के पानी में था। जिपेटो की उम्र बहुत ज्यादा थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। वो समंदर की गहराइयों में जाने लगा। उसी समय जिस बड़ी मछली ने पिनोकियो को निगला था, उसी ने जिपेटो को भी निगल लिया। जिपेटो उसके गले से उतर के सीधा पेट में गया और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे ये आवाज एकाएक पहचान में आ गई। पिनोकियो, मेरे बच्चे, तुम मिल गए आखिर। कितना परेशान था मैं। अपने पापा की आवाज सुनके पिनोकियो रोते हुए उनसे गले मिला। सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। ये देख के कि इस बार पिनोकियो सच में बुरा महसूस कर रहा था, फेरी ने उन दोनों को मछली के पेट से निकाल कर सही सलामत किनारे पे पहुंचा दिया। उस दिन से पिनोकियो सयाना हो गया और हमेशा अपने पापा की सुनता। हर रोज वो स्कूल जाता और स्कूल के बाद पापा की मदद करता। फेरी ने देखा कि पिनोकियो ने खुद को इतना अच्छा बच्चा बनाया और उसे इनाम देने की सोची उसने। एक रात जब पिनोकियो सो रहा था, वो उसके पास आई और उस पे जादू किया। सुबह होते ही पिनोकियो स्कूल के लिए तैयार होने लगा। उठते समय उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग है। उसने अपने हाथ देखे, फिर बाकी शरीर देखा। वो चौंक गया। वो अब लकड़ी का ना रहा। वो सभी इंसानों की तरह था, वैसी ही चमड़ी थी। वो कूद के अपने पापा के पास गया। पापा, पापा, मुझे देखो। अपने बेटे को पूरी तरह इंसान हुए देख जिपेटो बहुत खुश हुआ। पिनोकियो, अब तुम मेरे असली बेटे हो। पापा बेटे दोनों गले मिले, आंखों में आंसू लिए खुशी के। पिनोकियो ने फिर कभी झूठ नहीं कहा और उसकी नाक जैसी की तैसी रही।